सो दोस्तों, आज की वीडियो आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक फोन की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा जो कि है Redmi Y1 Xiaomi की तरफ से। सो गाइस, अब बात करते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इस फोन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और ये मुझे कितने का मिला। तो आपको अगर जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर तक आखिरी तक आपको देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज। टेक एंड गेम्स से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाए बेल आइकन और पाए हमारी वीडियो सबसे पहले। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम फ्रंट साइज की बात करें तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा इंडियन स्मार्टफोन नंबर वन। गाइस जी हां दोस्तों, ये इंडिया का नंबर वन ब्रांड है। साथ ही साथ यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको MI का लोगो मिल जाता है और यहाँ पे आपको Redmi Y1 का नाम मिल जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा Y Xiaomi, यानी Xiaomi की तरफ से ये बनाया गया है। और अगर हम साइड व्यू की बात करें तो यहाँ पे भी Redmi Y1 और यहाँ पे भी Redmi Y1 मिल जाता है। और गाइज अब बात करते हैं बैक पैनल की, तो जो बैक पैनल है आपको यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं, जैसे कि आपको 5.5 इंच की HD डिस्प्ले मिल जाती है, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिल जाता है सेल्फी के लिए। और अगर प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 435 प्लस ऑक्टा कोर आपको इसका प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। और बात करें वेरिएंट की तो गाइस, ये जो वेरिएंट है ये है 3GB में 32GB, यानी 3GB के रैम के साथ आपको 32GB कोन मेमोरी यानी इंटरनल मिल जाता है। गाइस अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है जो आप पढ़ सकते हैं खरीदने के बाद। सो गाइस अब चलिए हम इसकी सिंपल से एक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको सिंपल ओपन कर लेते हैं। सो गाइस जब आप बॉक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दो लेटर देखने को मिलेंगे जो कि सप्रेम पत्र बोल सकते हैं, और बाकी ये कंपनी की तरफ से दिया गया इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है कि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो इसको हटा सकते हो। सो गाइस यहाँ पे आपको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ डिटेल से दिया गया, आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं तो आप इसको साइड रख सकते हो। गाइस आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो आपका फ़ोन है वो आपको गोल्ड में मिल जाता है। चलिए इसको निकाल लेते हैं सिंपली। और गाइस सबसे पहले आप देख लीजिए जो आपके फ़ोन की जो लुक है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने के मिलेगी अगर आप गोल्ड कलर में लेते हैं तो आप देख ही रहे हैं कि फ़ोन काफ़ी बड़ा है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5.5 इंच की डिस्प्ले के साथ आपको मिलेगा प्लस फुल HD, और जो फिंगरप्रिंट दिया गया है वो आपको बैक पैनल में दिया गया है। कैमरा आपका यहाँ पे है 13 मेगापिक्सल, और आपका जो ये फ्लैश लाइट है, और दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे अगर ध्यान से तो ये कैमरा है आपका 16 मेगापिक्सल, यहाँ आपको फ्लैश मिल जाती है और ये आपका सेंसर है। तो चलिए हम इसके बारे में अभी बताएंगे, तब तक हम देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सो गाइस ये आपको सिंपल सा मिल जाता है USB केबल जो कि ऑब्वियसली चार्जिंग काम आता है, या आप कंप्यूटर में अपने डाटा कनेक्शन या डाटा केबल की तरह यूज कर सकते हो। तो गाइस अब आप देख रहे होंगे डब्बे के अंदर आपको एक चीज़ और मिल रही होगी जो कि है सिम इजेक्टर, और आपको पता चले गया होगा ये क्या काम करती है। ये ऑब्वियसली हर फोन में सिम निकालने के काम आती है। हम इसको रख देते हैं साइड, और दोस्तों अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ देखने मिलेगा Xiaomi की तरफ से जो चार्जर आता है Xiaomi का, वो आपको इसके अंदर मिल जाता है जो कि USB वाला है। तो आप कोई सा भी USB पोर्ट यूज़ करके इसके चार्ज कर सकते हो, जो कि आपको मिल जाता है 2 एम्पायर का, जिससे आपका फ़ोन जो है वो जल्दी चार्ज होता है। तो ठीक है चलिए अब हम इसको सिंपली हटा लेते हैं। अब मैं आपको अपने फ़ोन के बारे में बता देता हूँ कि फ़ोन में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। सो गाइस चलिए हम सिंपली इस जो ये आपका फ़ोन है इसको हम ओपन कर लेते हैं, जल्दी से ऑन कर लेते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं जो Redmi का जो पहला इंटरफेस है आपको MI.com यानी Redmi का ब्रांड आपको लोगो देखने को मिलेगा जब ये ओपन होगा। और तो उसके बाद इसमें आपको रीसेट करने को बोलेगा, बहुत सी चीज़ें बोलेगा, वो मैंने सारा स्किप कर दिया है, तो आपको ये सिंपली सीधा ओपन होके दिख जाएगा आपको। तो जल्दी से ये ओपन हो जाए, और यहाँ देख रहे होंगे आपको पावर्ड बाय एंड्रॉयड, यानी इसमें एंड्रॉयड सपोर्ट दिया गया है। तो चलिए हम इसको थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं जो इसका पहला इंटरफेस हो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है तो थोड़ा लोडिंग लेता है। उसके बाद जो आपका प्रोसेस होगा वो बहुत ईजी होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको उसकी सेटिंग दिखा देता हूँ, सेटिंग में हम जाएंगे तो चलते हैं हम अबाउट फोन में दोस्तों जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो आपको मॉडल नंबर मिलता है वो Redmi Y1 का मिलता है, एंड्रॉइड वर्जन 7.1.2 मिल जाएगा, और अगर हम MIUI वर्जन की बात करें तो आपको मिल जाता है 9.1.5,
जो कि अभी नया वर्जन आया हुआ है। और सीपीयू की बात करेंगे तो आपको 1.4.0 आपको मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज मिल जाता है, जो कि है ऑक्टा कोर। सो गाइस अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर रैम, तो रैम आपको 3 GB मिल जाती है, और इंटरनल की बात करें तो 32 GB है, जो कि आपको 22 GB दिया गया है यूज़ करने के लिए। ठीक है गाइस, अब बैक कर लेते हैं और मैं आपको थोड़ा इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ। आप देखेंगे ये जो आपका शटर है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सो देख लीजिए हम इसको। और गाइस अब बात करें अगर हम कैमरे की, तो कैमरे क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, पर मैं इसके जो कैमरे की क्वालिटी है वो आपको मैं अगली वीडियो में दिखा दूंगा। मुझे आपको सिर्फ अनबॉक्सिंग के बारे में तो बताना था। तो गाइस देख ही रहे हैं कि इसकी सेटिंग के बारे में आपको बता दिया है। अगर हम इसका एक्सप्लोरर ओपन करेंगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ जो इसकी प्रॉपर्टी आपको क्या कितने मिलती है। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं 22 GB आपको दिया जा रहा है, 25 GB टोटल है, बट आपको 22 GB यूज़ करने को दिया जाएगा। ठीक है गाइस, सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगर इसके प्राइस की, तो गाइस जो इस फोन का जो प्राइस है एक्चुअल में वो है 9000 रुपये। अगर आप 4 GB में 64 लेंगे तो आपको ये करीब करीब 10,500 के आसपास पड़ जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इस फोन को बाय करना हो तो सिंपली मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, तो आप उस पर क्लिक करके इस फोन को खरीद सकते हो। और कमेंट में जरूर बताना कि आपको जो ये फोन है आपको कैसा लगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं कल, नमस्कार, बाय बाय और सलामत रहें।